और अब बड़ी और सुखद खबर का रुख करते हैं, क्योंकि जयपुर में मौसम का मिजाज बदल गया है। शहर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। पावटा शाहपुरा क्षेत्र में बारिश हो रही है। पावटा क्षेत्र के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये डिस्टर्बेंस राहत देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था, हर कोई इंतजार कर रहा था कि आसमान से राहत की बूंदे बरसे जो तापमान को कम करे और इससे शरीर को झुलसाती गर्मी के बीच में राहत पहुंचाए। मेरी सहयोगी पूनम शर्मा जुड़ गए। पूनम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर है, लेकिन इस डिस्टर्बेंस ने आम आदमी की गर्मी से डिस्टर्ब होती जिंदगी को थोड़ी राहत जरूर पहुंचाई। विजेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस वक्त मैं 22 गोदाम के पास ही खड़ी हूँ और यहाँ पर इतनी तेज हवा चल रही है। हालांकि पूर्वानुमान था मौसम विभाग का, 21 तारीख से ही उसने बता दिया था कि 21-22 तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बहुत तेज हवा चलेगी और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चल रही है। और इसके अलावा बंगाल की, पूर्वी बंगाल की खाड़ी से जो तेज हवा आ रही है और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण बहुत ज्यादा आंधी तूफान अभी हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस बनी हुई थी गर्मी को लेकर, लोग बहुत परेशान थे, इस वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन अभी मेरे सामने जितना भी ट्रैफिक जा रहा है, क्योंकि ये वो वक्त होता है 7 से 9 बजे के करीब और फिर 10 बजे तक का टाइम, जब लोग अपने घरों से निकलते हैं, दुकान बंद करके जाते हैं, लेकिन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है। इसे आंधी मिट्टी, इसे धूल भरी आंधी कहा जाएगा। हालांकि कई इलाकों में बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है और बाइक पे जो लोग जा रहे हैं उन्होंने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है और स्पीड जो है वो धीरे हो गई है, यानी कि हवा की गति जो है वो बहुत तेज है। लेकिन लोगों की जो चाल है, चाहे वो पैदल चलने हो वाले हो या फिर बाइक पे चलने वाले हो या फिर गाड़ी चलाने वाले हो, क्योंकि एकदम से मिट्टी आने से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। उससे दिक्कत तो होती है क्योंकि मिट्टी की वजह से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन आप बाहर मौजूद हैं, क्या वो हवा में ठंडक महसूस हो पा रही है? क्योंकि पावटा क्षेत्र हो, शाहपुरा हो, वहां पर बारिश हुई है, जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, क्या हवा में वो ठंडक है? ये बिल्कुल राहत देने वाली खबर भी है और फिलहाल मैं महसूस कर पा रही हूँ। हालांकि बोलते वक्त भी बहुत ज्यादा मिट्टी मेरे मुंह में आ रही है, लेकिन इतनी ठंडी हवा है जो शायद मई के महीने में अभी तक जयपुर वासियों ने या फिर आसपास के इलाके वालों ने अभी महसूस नहीं की होगी। हालांकि धूल भरी आंधी से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन जो हवा अभी उनको ठंडी महसूस हो रही है उससे इतनी ज़्यादा राहत मिल रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जून में मानसून जो है वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि बारिश का दौर अभी चलेगा, क्योंकि जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है। 22 गोदाम के पास में पूरा जो टोंक रोड वाला एरिया है, 22 गोदाम से जब हम जाते हैं वहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है और कई इलाकों में ओले गिरे थे। और ये भी पूर्वानुमान है मौसम विभाग के अनुसार कि आज भी कई इलाकों में ओले गिरने की संभावना है। विजेंद्र, बिल्कुल पूनम, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और वाकई में थोड़ा सुकून पहुंचाने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन वेदर रिपोर्ट आगे के 2-4 दिन की क्या कह रही है? क्योंकि अगर हल्की सी बारिश होकर और सुबह सूर्यदेव फिर से दिखेंगे तो उसकी वजह से फिर उमस इतनी ज्यादा होगी कि फिर से परेशानी होगी। हालांकि विजेंद्र, पूर्वानुमान जो ये बताया गया था कि आने वाले 3-4 दिन यानी 21 मई से 21, 22, 23, 24 इसके बाद बारिश होगी और इसके बाद मौसम जो है वो सुहावना हो जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल कई और जो राज्य हैं वहाँ पर भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम दिल्ली और गुड़गांव की बात करें, NCR की बात करें, वहाँ पर भी कल और आज सुबह से ही आंधी तूफान चल रहा था और अब धीरे धीरे ये राजस्थान की तरफ बढ़ गया। आज दिन में भी बहुत ज्यादा धूल भरी आंधी चली थी, लेकिन अच्छी बात यह है जी कि बिल्कुल पूनम, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।